हाँ, काले कैसा कैसा बेहतरीन, ऐसे ही बुलाया जाता है। ठीक 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 अब इस धंधा के पीछे ऐसा ऐसी हमारे ऊपर घटना आ चुकी है, तो फिर भी से हम धंधा नहीं छोड़ते। नहीं, ये धंधा बताइए, कुछ एक आध घटना बताइए। एक घटना है, खास मेरे से ही हुआ है। बताइए, जब तक अपना हाथ पैर चलेगा तब तक चलाएंगे, नहीं तो हाथ पांव जोड़ के ये धंधा को। अब भैया जयराम, क्या नाम है आपका? गोकुल। बढ़िया। गुजराती। गुजराती। कच्छ जिला के रहने वाले। कच्छ जिला के रहने वाले। भेड़ बकरी पालने। हैं? अच्छा, मतलब ऊंट भी बहुत दौड़ता है। कैसे हरा सब्जी कैसे नहीं खा पाते? तो बाजार जब जाएंगे तब तो। बाजार तो बाजार, गांव गांव में जाते हो तो बाजार नहीं मिलता है। तो इनको छोड़ के जाएंगे, जो किसी का खेती खा देगा तो। अरे तो आप लोग तो दो, एक दो जने तो यहाँ रहते होंगे, बाकी लोग जाके ला सकते सब, सब्जी तो सबके बस की बात नहीं है ऊंट संभालना। ये बात तो सही है। ये बहुत भक्त है क्या? बहुत अभी है? अभी क्या उनके हीट का सीजन है। हाँ? देखो वो जा रहा है, वो निकल गया। हाँ, तुरंत वहाँ निकल गया। हाँ। तो वो हिसाब से सब इसको वहाँ पहुँचाना है, उसको रोकना है। कहीं फसल में खा गया तो दो बात सुनना पड़ जाएगा बिना मतलब से। ये लड़की है कि लड़का है? अच्छा, जमीन आलू ढालू ज्यादा रहता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो खाली पूरा ऊँट ऊँट ही आते हैं। अच्छा, इन लोगों को पानी वानी पिलाने कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई नहीं। एक बार पियो फिर फुर्सत? नहीं, रोज रोज दिन में दो तीन बार तक पिला सकते। नहीं तो मैं सुना हूँ ऊँट एक बार पानी पीता है फिर 30 दिन तक नहीं पीता है। वो ऊँट कहाँ पीता है एक बार 30 दिन में पानी? हाँ, कलिंदर का खेती होता होगा। अच्छा, रोज कलिंदर का उसका चारा बनता होगा। अच्छा, कलिंदर खुद तो पानी है। अच्छा, पड़ता है। अच्छा, तो आप लोग अपने देश नहीं जाते हैं? मतलब देश जाते रहते, जैसे कोई अपना शादी पर ब्याह का काम है। अच्छा, वो सब में ट्रेन से? देवधामी का काम है, अड़ोस पड़ोस का कोई कोई मान लो बुढ़ा उठा कोई चले गए ईश्वर घर, तो उसके जरिए तो मान लो वहाँ, तो फिर अपना गाड़ी बस चल देते, जानवर तो अपना ये। अच्छा, मतलब बाकी पूरा जो है ग्रुप है वो घूमते रहता है देश में? घूमते रहते हैं, अपना बिलासपुर जिला, कोरबा जिला, बिलासपुर कोरबा। हाँ, और फिर अभी आजकल तो पेंड्रा जिला बन गया है। पेंड्रा। हाँ, जिला पेंड्रा। हाँ। मनिंदगढ़ जिला। हाथी भी जाते हैं। हाँ, उधर अरे वहाँ तो पसान में हाथी ना हाथी है। वही तो बोल रहा हूँ, अभी तो बहुत हाथी हाथी चल रहे हैं इस साल। अभी इस साल तो हाथी के जरिए से भेड़ वाले सब बेचारे जंगल से वापसी हो। वो हाथी रहता तो आप लोग को दिक्कत हो जाता होगा। अरे भैया, हाथी से कौन जीतेगा? वही तो है ना, हाथी ना पानी से डरता, ना आग से डरता, वो किसी से ना किसी के डंडा मारने से डरता। वो सही बात है। तो आपका बचपन कहाँ गुजरा? राजस्थान में? गुजरात, कच्छ। गुजरात, कच्छ। कच्छ के रण? कच्छ। कच्छ गुजरण देखा है? अब सब उसमें देखते हैं, यूट्यूब में, टीवी में देखते हैं। तो हम ये किस्मत को धंधा के पीछे लगा लिया है, तो किस्मत को गाते हैं। अब आदि लड़के बच्चे लोग को पढ़ा के दूसरा धंधा में भेज देते, तो इसको छोड़ के दूसरे में तो लगते। अच्छा, तो बच्चे भी सब इसी में हैं? नहीं है भैया, अभी आजकल लड़के बच्चे लोग हमारे रहते तक ये धंधा हो रहा है। अच्छा अच्छा। और बाकी ये धंधा वहाँ से खत्म। मतलब कुल मिला के आखिरी ऐसे तो पीढ़ियों से चल रहा है, इसको भी एक से एक रखने वाला पैदा हो जाएगा, ये धंधा को चलाएंगे। मान ले आत्मा में उम्मीद बहुत आदमियों की है कि धंधा छोड़ना है, बाकी मान लो कि लड़के बच्चों को दूसरे धंधे में लग जाए तो ये परेशानी रोज का चलना, रोज के जाके दूसरे जगह यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और जंगल पहाड़ी से सब विश्व में रहना। और आजकल क्या है कि पानी का साधन भी जल्दी मिलने लग गया, फिर भी से तार घिरा हो गया है। तार घिराव के अंदर गांव गांव का ये जमीन ऐसे घेरा हुआ है, बाड़ा घेरा हुआ है। देखो इसका दिक्कत हो जाएगा। हाँ, पूरा बाड़ा घेरा हुआ है। यदि ये तार नहीं रहता तो उधर जाता आराम से, आराम से, आराम से चारा चरता रहता। सही बात, सही बात। उसको तोड़ेंगे तो अपराधी बनेंगे, अपराधी हो जाएंगे। सही बात, उसी जरिए भाई गाँव के आदमी कुछ भी कर रहा है, हमको नहीं करना है। नहीं नहीं, सही बात। तो आप लोग जैसे जगह जगह जाते हो तो आप लोग को मतलब बताना पड़ता होगा पंचायत में कि हम लोग आए हैं, ऐसा है वैसा है कुछ? नहीं, ऐसे एक एक दो दो दिन तक आज तक किसी ने बेचारा ने परेशानी नहीं किया है, नहीं किया है ना, नहीं किया। भारत देश पूरा हमारा है।
बस मान लो जहाँ जाओ भाई, हमारे हाथ से ही हम गलत कुछ करेंगे तब होगा, तब तो भाई मतलब बताया हम कैसे करके थाने में मुसाफिरी देना। हाँ वही बोल रहा हूँ, वही चीज मतलब अपना या कलतरा में। हाँ जाते हैं ना, वो इसी चीज को बोल रहा हूँ। थाना मतलब जगह जगह का जाके एक बार। हाँ जिस इलाके में गए वहाँ भले उसी दिन नहीं पुगे, एक दो दिन के बाद में जाके थोड़ा अपना लिखवाना पड़ता है। सही है कि भाई हम लोग यहाँ आए। तो आपके पास कितने ऊँट है अभी? मेरे सराने में दो ऊँट है। दो ऊँट है और उधर गैंग वाले 12-13 ऊँट है। अच्छा, इसको क्या बोलते हो आप लोग, जो आप लोग का गैंग है उसका नाम कुछ मतलब क्या बोलते हो? ये गैंग है वक्का। वक्का? वक्का नाम है वक्का, वक्का। ठीक, तो कितने लोग हैं इसमें आप लोग? इसमें अभी 1500 आदमी हैं। 1500 आदमी। और ऊँट? ऊँट तो अभी हमारा 16-17 ऊँट। 16-17 ऊँट। तो आप लोग का मतलब इसे गुजर कैसे होता है, ऊँट को खाली चराने से कैसे क्या चीज़ होता है? तो ऊँट तो हमारा गाड़ी है, जैसे आपका कोई जगह जाना है। हाँ हाँ हाँ। तो आपकी मोटरसाइकिल है। सही बात। उसी हिसाब हमको यहाँ से डेरा बदलना, आगे लेके जाना है, हम कितना बोएंगे? हाँ हाँ। तो वो सामान ये ऊँट अपना वाला भैंसा गाड़ी जैसे आपके पहले रहता था। अच्छा, ऐसा हमारा इसी को भैंसा ही गाड़ी समझो। अच्छा। कि यहाँ से वहाँ उलद के जाना। तो जीवन यापन का जरिया बोल रहा हूँ, पैसा कहाँ से आता है बोल रहा हूँ? नहीं, वो तो भेड़ बकरी का घी बेचते। वही बोल, तो वही ऊँट के संग में भेड़ बकरी भी है ना, बकरी है, वही चीज पूछ रहा था। घी बेचते रहते। ये तो सिर्फ आपका ऐसा समझ लीजिए वही गाड़ी है जो आप बोले। घी बेचते रहते हैं, कोई अच्छा मान लो बकरी भी अच्छी दूध वाली बकरी है, कहीं जाने बकरी बड़े बड़े यहाँ कम होता है बकरी का बिक्री ना, अपना कोरबा इलाका में कालरी इलाका है ना, बाहरी आदमी बहुत बकरी लेते हैं। बकरी का घी कितना जाता है किलो? नहीं, बकरी के अलग से घी, बकरी का नहीं, भेड़ और बकरी का मिला के ना, वही कितना जाता होगा किलो? जैसे गाय का नॉर्मली अभी 800 से 1300-1400 में आ जाता है। बाकी भेड़ बकरी का यहाँ तो घी कोई ज्यादा ले नहीं रहे, हमारे देश में भेड़ बकरी का घी का 1300-1400 रुपए मतलब गाय के बराबर ही है। इसका आदि हम ओरिजिनल भेड़ का बनाया। हाँ। तो हमको कोई जरूरत वाला भेड़ का घी का 1500 रुपया भी मिल सकता है। अच्छा। हाँ। बाकी ओरिजिनल मतलब बना रहे भाई, हम आदि हम ये कहेंगे ओरिजिनल है, वो बकरी के दूध के साथ हम मिला के रखेंगे, अगले हाँ। को हम ठगते रहेंगे। हाँ हाँ। तो वो भगवान घर तो हम अपराधी। सही बात। अगले आदमी को कुछ जरूरत है। हाँ हाँ। कि मेरे को चीज ओरिजिनल चाहिए, उसको साफ बताना पड़ता है, भैया इसके साथ बकरी का दूध भेड़ी का दूध दोनों मिला हुआ है। हाँ हाँ। और उसके बाद भी आपका मान लो आप जैसे बोल रहे हो कि भेड़ का दूध है। हाँ हाँ। और बकरी का दूध है, वो अलग बना करके जब बनाते हैं तो शुद्ध कहेगा। सही बात। बकरी भी उसी में दूह लिया, भेड़ी भी उसमें दूह लिया। और उसके बाद अगला लेने वाला कोई आया कि भैया मेरे को भेड़ का घी दो, अब उसको हम दे देंगे, अगला ले तो लेगा, बाकी उसको जो काम है उसको जो जड़ी बूटियों के जरिए से जो बनाना वो नहीं बनेगा। तो नहीं, इसी कारण हम सुने ना कि बकरी का दूध सबसे पौष्टिक होता है, बकरी मतलब जितने भी जानवर हैं उसमें सबसे पौष्टिक दूध होता है ऊँटनी का। ऊँटनी का? हाँ। तो ऊँटनी का तो पचा नहीं पाएगा इंसान, बहुत गाढ़ा होता सुना है। बकरी ऊँटनी का दूध गुजरात और अपने राजस्थान मान लो आदि सही तरीके जिसके शरीर में टीवी बीमारी है उसको 6 महीना ऊँटनी का दूध आदमी पी लिया उसके टीवी तक ठीक हो जाएगा, इतना पावर है, उतना पावर। तो इसको आप लोग खाली है जो मकुना कांटा और जो बबूल वगैरह है वही खाते हैं कि अलग से और कुछ देते नहीं, हैं इन और कुछ नहीं देते। बस काफी है बकरी भेड़ और ऊँट तीनों को। ऐसा तो शरीर के तंदुरुस्ती बनाने के लिए अच्छा कुछ अपना सरसों तेल दे दिया, उसके साथ गुड़ मिला के दे दिया। अच्छा। तो थोड़ा ताकती तो सरसों तेल गुड़ कैसे किसी मिला के कैसी डायरेक्ट? नहीं, गुड़ तो खा लेगा, गुड़ तो खा लेगा, तेल तो उसका मुंह पकड़ के डालना पड़ेगा। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। गुड़ खा जाएगा, गुड़ रोटी के साथ गेहूं के साथ मिल देंगे ना तो खा जाते हैं। ठीक ठीक ठीक, चलिए बढ़िया। आपका नाम नहीं बताया अभी तक। मेरा नाम भारमल। भारमल। हाँ। बढ़िया, बढ़िया। रहने वाला हाँ। लाखापुर। लाखापुर तहसील अंजार, जिला कच्छ भुज। कच्छ भुज। पूरा पूरा एड्रेस बताया। और आप चाहते हो तो आधार कार्ड भी लाना पड़ता है अपना लड़के बच्चों की शादी में। अच्छा, बाकी अच्छा। धंधा पालने में तो क्या है, पाल दी है। अब इस धंधा की ऐसा ऐसी हमारे ऊपर घटना आ चुकी है तो फिर भी से हम धंधा नहीं छोड़ते। नहीं, ये धंधा बताइए, कुछ एक आध घटना बताइए। एक घटना खास मेरे से ही हुआ है। बताइए बताइए, मेरे से छोटा जो बताने लायक होगा बताइए। बताने लायक है, यदि आप कहोगे ना, आप आपके दिमाग कहोगे ना कि ये बात उतार लिया तो धंधा मेरे को देखना नहीं चाहिए। ऐसा इतना बड़ा घटना हो चुका है। मेरा भाई, भाई के घरवाली और भाई का साला रिश्ता लगता था, एक सगा साला को घायल किया और तीन जाने को तो जान सहित भालू
भालू रगड़ के तोड़ दिया। भालू, भालू। रीच 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 हम रीच बोलते हैं। रीच आप बोल रहे हैं तो गुजराती भाषा आ गई। नहीं, हम भी रीच बोल लेते हैं कभी कभी, भालू ही बोलते हैं। रीच हमारे गुजराती भाषा में ऋषि बोलते हैं। उधर का किस तरह हुआ, वो रात का 11 बजे हुआ, और रात का 11 बजे से करके 1 बजे तक वो तीनों आदमियों को जैसे कोई किसी का हिम्मत नहीं पड़ा। आस पास आदमी 50 था हम लोगों का, उसकी आवाज से सबके आंखी मंधिया। कितने भालू थे? भालू उन तो देखा एक ही, एक ही देखा। हाँ, बाकी बच्चे वाला भालू था। अच्छा, कोई मादा भालू। हाँ। नर मादा रहे होगा, अपने हीट में सामने में रात में डेरा में घुस गया, पानी गिर रहा था। और वागी वागी था नहीं। ओहो, तो तीनों को, तीनों को जान सही। ओहो, तो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का दोनों जो पुरुष है। हाँ। वो महिला थी, वो हमारे भाई की घरवाली थी। हाँ। तो दोनों का दो दो लड़की। ओहो, जो साला था उसका भी दो लड़की। कितने बड़े थे उसकी? तो एक लड़की 3 की। हाँ, बच्ची। एक लड़की उसका मान लो के कम से कम 5-6 महीने। दोनों बच्चे, बच्ची। हाँ, और मेरे भाई की लड़की औरतपान में अभी 1 18 की है। हाँ। 1 15 की। तो वो तो गांव में ही होंगे ना अभी आपके बच्चे? हाँ, पढ़ रहे हैं। हाँ, उसी के बाद से गांव में छोड़ना स्टार्ट किए होंगे। छोड़ दिए बच्चे लोग, हम ये बुलाते ही नहीं। हम चाहे कुछ भी कष्ट कर लेंगे, जो भी है करते रहेंगे, जब तक अपना हाथ पैर चलेगा तब तक चलाएंगे, नहीं तो हाथ पांव जोड़ के ये धंधा को। मतलब कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग आखिरी पीढ़ी देख रहे हैं। बस ये धंधा के पीछे आखिरी है। भले हम लोग को, ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये धंधा को पूरी हमारी पब्लिक छोड़ेगा, नहीं छोड़ पाएंगे। क्या है, अनपढ़ आदमी है, लेकिन नए उसको अपनाने वाले है ही नहीं, तो क्या करेंगे ऐसा। हाँ, अनपढ़ आदमी है, आगे जाके कोई धंधा में सक्सेस नहीं होता, इस धंधा कुछ घूमते रहता है। दो जनवर मजबूरी, अगले साल तक वो दो जनवर आज है तो वो काल पैदा हो गया, उसमें दो बच्चा हो गया, 4 जनवर हो गए, दूसरे साल हुआ तो उसका 6 हो गया। ऐसे बढ़ाते चलाते उसमें पेट गुजारा, कोई बकरी बेचता रहता है, कोई अच्छी भेड़ी का घी भी बेचता रहा, भेड़ का ऊन भी बिकता रहता है, उस हिसाब से अपना पेट गुजारा चलता रहता है। तो आप लोग यहाँ छत्तीसगढ़ MP और किस किस स्टेट जाते हैं? हम लोग गए नहीं है कहाँ, छत्तीसगढ़ छोड़ के नहीं गए। अच्छा, ये काफी है आपके लिए। MP जाते थे, MP जाते थे, तो MP भी अभी वो घटना होने के उसके बाद से बंद है। ये जो घटना हुआ ना, वहाँ से तो इस साल का हाथी का प्रॉब्लम कोई कम थोड़ा था। बहुत पसान है, बहुत पेपर में आ रहा है। पसान अपना मरवाही क्षेत्र, पिपरिया, बहुत से बहुत हाथी, झुंड का झुंड हाथी, कई आदमी को खून दिया, कई आदमी देखा ना, बहुत वीडियो आया। 6 से हाथी वहाँ खसक गया है, 6 से वो इलाका छोड़ दिया, पिपरिया तरफ गया, फिर हसदो नदी। आप लोगों को बच के रहना पड़ता होगा भैया। हम लोग तो हम तो देखो, हम यहाँ जंगल में है। हाँ। अब यहाँ को लाइट तो है ही नहीं। हाँ हाँ। रात में ये मेड़ के पास कोई आ जाएगा, इधर आ जाते देखेंगे, उधर क्या उधर कौन आ रहा है, कौन देख रहा, कुछ नहीं दिखेगा। लाइट नहीं है तो हमको पहले ही भगना पड़ता है। तो आप लोग सोलर सेल वगैरह यूज नहीं करते मोबाइल चार्जिंग के लिए, लाइट के लिए? सोलर पैनल का सेल छोटा छोटा आता है, वो सब चीज को उठाना पड़ेगा ना, सब में वजन होगा, अपना खाना पीना कपड़ा लत्ता बर्तन भाड़ा है वो उठा रहा है, वो मशीन। तो मोबाइल वगैरह चार्जिंग कैसे करते हैं? वो तो देखो ये हम सफर मांग, मतलब मदद मांग मांग के, भैया दे दो ऐसा घंटा आधा घंटा। लेकिन चलिए ठीक है, मैं हो सके तो आपके लिए एक है, आता है, हाथ घुमाएंगे वो चार्जिंग हो जाएगा। अब जंगल में रहे कहीं भी रहे, उसमें केबल लगा दीजिए, हाथ से घुमाते रहें, इतना ही बड़ा रहेगा। कोशिश करता हूँ, अगर आप अगले साल तक आएँ तो मैं आपको वो गिफ्ट करूँगा। देखो नसीब है, वही बोल रहा हूँ, भगवान करे आप आएँ अगले साल, मैं आपको दूँ। आपका नाम? मैं अभिषेक तिवारी, ये मेरे परम मित्र बूंदराम यादव, हम दोनों इसी गांव में रहते हैं। अच्छा अच्छा। बहुत दिन से मैं सोच रहा था आप लोग का इंटरव्यू नो करके, आज किस्मत से आप थोड़े मिल गए। तिवारी तो लोग महाराज। हाँ, तो बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है। कितने भेड़ है आपके पास? भेड़ तो है 150-200। 150-200 लगभग। इसको वो कंट्रोल करने वाले वो बड़े बड़े कुत्ते रहते हैं, वो नहीं दिख रहे हैं? वो डेरम बांध दिया। अरे मैं डर रहा था वो होंगे तो कैसे आप लोग का इंटरव्यू लूंगा करके। नहीं, डेरम रखते। अच्छा है कि डेरम में है। अच्छा, बड़ी बड़ी बकरियाँ, बड़े बड़े भेड़। हाँ, आइए 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 आइए, बिल्कुल आइए आइए। तो सुबह से निकले हुए थे? हाँ, सुबह 9-10 बजे निकले थे। तो इन लोग का पेट भर जाता है 3-4 घंटे में?
भर जाता है ऐसा, कभी भर चारा के हिसाब से भूखा रहता है ऐसा होता है। ये यही खाते हैं ये, बस ये चारा खाते हैं। मकुना उकुना ये घास घास कम खाते हैं? घास भी खाते हैं। घास भी खाते हैं, चलिए बढ़िया। तो आप अपने पूरे भेड़ को पहचान जाते हो? हाँ बिल्कुल। अरे माँ, 150 भेड़ वही पहचान जाते हैं? हाँ, एक पिला को ऐसे नहीं कि एक पिला भी निकाल लेंगे हम। एक बच्चा, एक एक बच्चा, एक एक बच्चा। ओहो, तो नाम वाम रखे हैं सबका कि ऐसी पहचान जाते हैं मेरा है कि वह? नाम वाम में कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, तो 2-3 लोगों का भेड़ एक संग मिल के रहता है कि सेपरेट सेपरेट अलग अलग परिवार का? नहीं, दो दो तीन तीन चार चार जाने का मिल के रहता है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तो आप कितने साल से घूम रहे हैं? ये तो करीब हमको 30-35 साल हो गया। 30-35 साल। आपकी उम्र क्या है? 30 है। आप तो मेरे उम्र के हैं, 34 साल मुझे भी चल रहा है। 35-40 साल हो गया यहाँ छत्तीसगढ़ में। अच्छा, छत्तीसगढ़ में। तो आप देश जाते हैं बीच बीच में? हाँ, ऐसे काम रहते हैं। अच्छा, और भैया का नाम क्या है? शंकर नाम। शंकर, बढ़िया। तो पानी वानी सुबह से लेके निकलते हैं साथ में? हाँ, पानी खाना पीना लेके निकलते हैं। हाँ, वही बोले ना चाय बनाएंगे, मैं बोला ये चाय कैसे बन जाएगा यहाँ? नहीं, बना लेते दिन में। ऐसा? तो आग वाग? आगे ऐसे माचिस रहता है, आगे जला के चाय बना। अरे बाप रे, फुल जुगाड़। ठीक, अब वापस जाने का टाइम हो गया है? नहीं, वापस तो 6 बजे जाएंगे। 6 बजे? आपके डेरा तो यहीं पास है, फिर घूमते लगा हुआ ये ढाबा कुछ। हाँ, देखा ना, देखा, उसी को तो देख के आया था इधर। ठीक, तो सुबह से नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं? हाँ, सुबह 11 बजे निकलते हैं खाना खा। हाँ, और फिर सीधा शाम को? बस। अच्छा, यही बगल, यही तरह। तो खाना में चावल वाले ही खाते हैं कि? हम रोटी खाते हैं। रोटी? अच्छा, गुजरात वाले हैं ना, रोटी ज़्यादा। गुजरात में रोटी चलता है, रोटी ज़्यादा चलता है, खाते हैं कोई लोग लेकिन कम खाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक, चलिए बढ़िया लगा आपसे मिलके। वो दादा बोले कि चलिए चाय पिलाता हूँ बोल के, मैं बोला चाय आप लोग यहाँ कैसे बना लेंगे? मैं बोला तो बोले सब बन जाता है, बन जाते है। इसको बुलाते कैसे भेड़ को आप लोग? जैसे हकालना है वो उधर जा रही है तो ऐसे हकाल देते हैं, थोड़ा आवाज करके आ जाता है। सिग्नल है उसका, वापस आ जा। ठीक, पहले पास हो। तो ये थे गोकुल जी, भारमल जी और शंकर जी। और ये कैसे रहते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, क्या क्या इनका परेशानियाँ हैं, क्या क्या इनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, ये सब आपने भारमल जी से अच्छे तरीके से सुना। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। जुगाली चला मुकैया, हमारे मितान को यहाँ मुकैया मिल गया। आप लोगों को मुकैया पता है कि नहीं, भगवान जाने। दिखाओ मितान, मुकैया दिखाओ, दिखाओ हाथ में, दिखाओ हाथ में करके दिखाओ ना इसे। हाँ, या खट्टा खट्टा मीठा मीठा मुकैया। चलें? अच्छा, वही गुनगुना दीजिए। ये तो फोटो हो गया इसका। अच्छा।